दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर हमेशा ही कुछ ना कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। कभी जानवर होते हैं जो कि मैदान पर आ जाते हैं, तो कभी कई खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं। और ऐसा ही एक मामला सामने आया है लंका प्रीमियर लीग का। बता दें कि श्रीलंका में इस समय डोमेस्टिक टूर्नामेंट लंका प्रीमियर लीग 2022 सीजन खेला जा रहा है। इस दौरान एक मैच में बड़ा हादसा हो गया और एक स्टार प्लेयर बुरी तरह से चोटिल हो गया। ये खिलाड़ी श्रीलंकाई ऑलराउंडर चमिका करुणारत्ने हैं, जिनके मुंह पर बॉल लगी है। बता दें कि बॉल लगने की वजह से चमिका करुणारत्ने के मुंह से खून तक आने लगा और तो और उनके 3-4 दांत भी टूटने की बात कही जा रही है। बता दें कि घटना के बाद मैच को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि उनका जबड़ा भी बुरी तरह से चोटिल हुआ है। वेल, आपको बता दें कि आखिर चमिका करुणारत्ने को ये चोट कैसे लगी। दरअसल ये घटना लंका प्रीमियर लीग में बुधवार को कैंडी फैल्कॉन्स और गाले ग्लैडिएटर्स के बीच में खेले गए मैच में हुई। चमिका फैल्कॉन्स टीम के लिए खेल रहे हैं। घटना ग्लैडिएटर्स टीम की बैटिंग के दौरान चौथे ओवर की पहली बॉल पर हुई। फैल्कॉन्स के लिए कार्लोस ब्रैथवेट गेंदबाजी कर रहे थे और उनके ओवर की पहली बॉल पर फर्नांडो ने कवर के ऊपर से हवाई शॉट खेला, जिसे कैच करने के लिए चमिका ने दौड़ लगा दी। पीछे बाउंड्री की ओर भागते हुए चमिका करुणारत्ने ने कैच तो लपक लिया, लेकिन इस दौरान वो अपना जबड़ा चोटिल करवा बैठे। बता दें कि बॉल हाथों में आने से पहले उनके जबड़े पर सीधे जा गिरी। हालांकि चमिका ने कैच लपक लिया और तुरंत ही बॉल साथी खिलाड़ी को दे दी और इसके बाद देखा गया कि उनके मुंह से खून आने लगा। बता दें कि इस घटना के तुरंत बाद ही चमिका करुणारत्ने को हॉस्पिटल ले जाया गया और इसके बाद से चमिका करुणारत्ने के चोटिल होने और कैच लेने का वीडियो भी काफी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और ये वीडियो फैंस को डराने वाला भी है, क्योंकि इसमें साफ देखा जा सकता है कि कैच लेने के दौरान बॉल कैसे चमिका करुणारत्ने के मुंह पर जा गिरी, जिसके कारण उनके 3-4 दांत तक टूट गए और जबड़ा भी चोटिल हो गया।